बीट फ्रीक्वेंसी वगैरह निकाल रहे थे हम लोग, है ना। फॉर्मूला सबको याद है? फॉर्मूला क्या था बताना जरा जल्दी से। एफ डैश इज इक्वल टू सबको याद है? Yes, अच्छा क्वेश्चन सुनो, यहां नोट एक दीवार है और यहां से एक गाड़ी आ रही है V नॉट वेलोसिटी से चलती हुई, इधर ड्राइवर बैठा हुआ था कान वान लेके मस्त, ठीक है, कान वाला ड्राइवर था, बहरा नहीं था तुम्हारी तरह। और जो सुनो तो सही, गाड़ी में क्या होता है हॉर्न, पौं पौं करता हुआ जा रहा था, आगे क्या थी बेटा? दीवार। सुनो मेरी बात, सुन लो, आगे जो दीवार थी क्या बेटा उस तक आवाज पहुंचेगी? दीवार से आवाज क्या बेटा टकराएगी? और क्या वापस ड्राइवर तक आएगी? आपको ड्राइवर द्वारा सुनी गई अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बतानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ऑब्जर्व्ड बाय द ड्राइवर, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ऑब्जर्व बाय द ड्राइवर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ऑब्जर्व बाय द ड्राइवर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल, ठीक है। दीवार से रिफ्लेक्शन के बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड बतानी है आपको, जो आपके ड्राइवर को सुनाई देगी। करो, ये आ रही है। और कोई आंसर नहीं आ रहा? V प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी नॉट। और कोई? चलो यहां ध्यान दो, सुनो एक चीज बता, ये सोर्स है, ऑब्जर्वर नहीं हो गई वॉल? वॉल बेसिकली क्या हो गई? ऑब्जर्वर हो गई ना। तो इनिशियल केस में अगर मैं बात करूं, मान ले दीवार पे एफ डैश आ रही है, बातें बंद कर दो, समझ लो बेटा बहुत फेमस क्वेश्चन है, 3-4 बार अलग अलग एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, ठीक है, इसीलिए बता रहा हूं, ध्यान देना। मान ऑब्जर्वर है और आपका जो ड्राइवर है ना वो चलता हुआ गाड़ी से आ रहा है इसकी तरफ, तो ऑब्जर्वर रेस्ट पे सोर्स उसकी तरफ आ रहा है, साउंड प्रोड्यूस कौन कर रही है, गाड़ी कर रही है या वॉल कर रही है? एफ फ्रीक्वेंसी की साउंड है जो प्रोड्यूस की किसने? गाड़ी ने। और वो जा रही है किसकी तरफ? दीवार की तरफ। तो मान लो कोई आदमी दीवार पे बैठा था तो उसको क्या आवाज आएगी? एफ डैश। एंड व्हाट विल बी दैट एफ डैश? सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, तो वी अपॉन इनटू एफ। बोलो सही है क्या? अब क्या दीवार यहां पर जो आवाज आई वो एफ डैश थी, यहां जो आवाज पहुंची वो? अब एफ डैश वाली आवाज टकरा के इस तक वापस जानी है, एफ डैश वाली आवाज टकरा के आपके ड्राइवर तक वापस जानी है, तो ड्राइवर इज द ऑब्जर्वर नाउ, ड्राइवर इज द ऑब्जर्वर, जबकि ये दीवार क्या हो गई? सोर्स। दीवार क्या हो गई? तो लेट्स अज्यूम के ड्राइवर को एफ डबल डैश सुनाई देता है, ड्राइवर को क्या सुनाई देता है? एफ डबल डैश। तो सोर्स तो तुम्हारा रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर क्या है? मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, अवे फ्रॉम द सोर्स। टुवर्ड्स द सोर्स जब मूव करता है तो क्या? वी प्लस वी नॉट लिखता हूं इनटू एफ या एफ डैश, क्योंकि आपके सोर्स जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहे थे वो क्या थी? एफ डैश। समझ ही नहीं आया? आ गया क्या? एफ डैश की वैल्यू ये रही, पुट कर दे, कितनी है एफ डैश की वैल्यू? वी अपॉन वी माइनस वी नॉट इनटू एफ, तो क्या बच गया? वी प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी नॉट इनटू एफ। समझ में आया? आप जो सुन रहे हैं वो एफ डैश नहीं है, वो एफ डबल डैश है। वो क्या है?
जो टकरा के वापस आप तक आई, समझ गए? आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक गाड़ी ऐसे आ रही है, एक गाड़ी ऐसे आ रही है, वही तो है। अरे वही कोई केस तो है, आप पास जा रहे हो और ये भी क्या आ रहा है, पास आ रहा है, वही केस तो बन गया। देखो ऊपर नीचे तुम्हें नजर ही नहीं आया, आया नजर किसी को? सेम केस आ गया था ये आंसर। कितने लोगों ने ऐसे ही सोचा था? 1 2 3 4, तेरा भी तो आ गया था। बिल्कुल ठीक है तरीका, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? सही सोचा, ठीक है। अरे पॉइंट यह है कि सोचना आना चाहिए, सोच ही नहीं पा रहे तो गड़बड़ है, समझ रहे हो? तो चलो एक क्वेश्चन लिखो, इस पे जितने सवाल पॉसिबल है ना सब क्लास में कर लेंगे, बाहर का कोई सवाल तुम्हें मिलेगा नहीं दुनिया का, ठीक है? लिख लो और लिखो, क्वेश्चन लिखो जल्दी से। द फ्रीक्वेंसी ऑफ विसल, विसल समझ गए, सीटी। फ्रीक्वेंसी ऑफ विसल ऑफ एन इंजन, फ्रीक्वेंसी ऑफ विसल ऑफ एन इंजन अपीयर्स टू बी, अपीयर्स टू बी 4/5, 4/5 मतलब 4/5 लिखवाना है मुझे, तो TH और लिख लेना उसके आगे। अपीयर्स टू बी 4/5 ऑफ इट्स इनिशियल फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑफ विसल ऑफ एन इंजन अपीयर्स टू बी 4/5 ऑफ द इनिशियल फ्रीक्वेंसी व्हेन इट क्रॉसेज अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, when it crosses a stationary observer, ठीक है, full stop. If sound speed is 330 meter per second, if sound speed is 330 meter per second, then what is the speed of the engine? Then what is the speed of the engine? Cross करके जा रही है stationary observer. कौन सा वाला केस लेना है, ये समझ में आ गया आपको? कौन सा वाला लेना है? Cross करके जा रही है ना? या आपका observer तो rest पे है और ये इधर से आ रही है गाड़ी? अरे बोलो भाई, अरे बोलो। अब ये ट्रेन इसकी तरफ आ रही है और इसके बाद में क्या कर गई बेटा इसको? ये मॉडर्न आर्ट है बेटा, तुम्हारे बस की नहीं है, जैसा है वैसा देख लो, बना लो, ठीक है? तो आपकी जो ट्रेन थी वो मस्त एकदम सीटी वीटी बजाती हुई आ रही थी और फिर आपको क्या कर गई बेटा? क्रॉस। ऑब्जर्वर किस पे है? रेस्ट पर है, ट्रेन पीछे है बेटा, वो पटरी पे चल रही है, आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, दबा के नहीं निकल रही उसको, ठीक है? यही सोच रहे थे ना इतनी देर से कि ये आदमी जिंदा कैसे बच गया, सर लग ही रहा था मुझे। अब सुन लो मेरी बात यार, अब इसमें इतनी क्या बात कर रहे हो, कितनी? 82.5। क्वेश्चन ये था, ये पता लग गया आपको क्वेश्चन क्या था? देख लेते हैं, सुन लो, जब ये इसके पास जा रहा है तो ये सोर्स है ना, सोर्स पास जाता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वी माइनस वी एस इंटू एफ होती है कि नहीं? अच्छा दूर निकल जाता है वाली क्या होती है? वी अपॉन इंटू एफ, ठीक है? अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, इट इज फाउंड दैट, क्या लिखा हुआ था? फ्रीक्वेंसी ऑफ विसल ऑफ एन इंजन अपीयर्स टू बी 4/5 ऑफ द इनिशियल फ्रीक्वेंसी, इनिशियल फ्रीक्वेंसी की 4/5 है जब वो क्रॉस कर जाती है, मतलब कि
आपका एन डैश अपॉन एन डबल डैश, ये मतलब एफ डैश अपॉन, इसकी वैल्यू क्या बेटा 5/4 लिख दूं? समझ ही नहीं आया तुम्हें, क्या बोल रहे हो सर? ये नहीं आया समझ? नीचे 4/5 लिखा हुआ है, हाँ एफ डैश और एफ डबल डैश, नीचे क्या लिखा हुआ है? 4/5 लिखा हुआ है एफ डैश, आया समझ में? और एफ डैश अपॉन एफ डबल डैश है कितना? v प्लस वी एस अपॉन v माइनस वी एस, आया समझ में? क्या v की वैल्यू पता है? 330। वी एस की तो निकालनी है, निकाल लो। अब वो क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा ना आपको कि इक्वेशन क्या बना है। ये वही इक्वेशन है जो बना दी गई है क्वेश्चन पढ़ के, ये वाली, ठीक है? समझना इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आपके पास में आ गया 5/4 इज इक्वल टू 330 प्लस वी अपॉन 330 माइनस वी, इसको सॉल्व कर लो और वी की वैल्यू निकाल लो। 36 मीटर पर सेकेंड, 110 अपॉन, हाँ तो अराउंड 36 ही आएगा, 36.6 आ रहा है, यही आ रहा है, बिल्कुल सही। समझ में आ गया क्या करना था? इसीलिए जल्दबाजी में मत बोला अगर आंसर है ना, कुछ भी बोलना शुरू कर देते हो। चलो एक और लिखो, क्वेश्चन लिखो, लिखिए। अ ट्रेन अप्रोचेज अ हिल एट 40 किलोमीटर पर आवर, अ ट्रेन अप्रोचेज अ हिल एट 40 किलोमीटर पर आवर, अ ट्रेन अप्रोचेज अ हिल एट 40 किलोमीटर पर आवर and sounds a whistle of frequency, and sounds a whistle of frequency 580 hertz, and sounds a whistle of frequency 580 hertz when it is at a distance of 1 kilometer from a hill, when it is at a distance of 1 kilometer from a hill, पहाड़ से एक किलोमीटर की दूरी पर, एंड इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम अ हिल, फुल स्टॉप। अ विंड विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, अ विंड WIND विंड विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर blows in the direction of train's motion, full stop. Find the frequency of whistle as heard by an observer on the hill, as heard by an observer on the hill, ठीक है? और जो velocity of sound हमें दे रखी है ना बेटा इस question में, वो हमें किलोमीटर पर आर में ही दे रखी है, 1200 किलोमीटर पर आर, ठीक है? Sound velocity, कौन सी velocity है ये? Sound की velocity air में जो given है वो ये है। अब देखो हवा चल रही है, हवा चलेगी तो साथ दे रही है या ऑपोजिट है? साथ दे रही है, तो v के अंदर जुड़ेगी या घटेगी? जुड़ेगी। सोर्स चल के जा रहा है और जो वेलोसिटी है
उसके अंदर विंड की वेलोसिटी सपोर्ट कर रही है। तो जब आप लोग एफ डैश लिखेंगे तो क्या वी प्लस वी विंड हो जाएगा अपॉन वी प्लस वी विंड माइनस वी एस, समझ आया, मल्टीप्लाइड बाय एफ। सर ये क्या कर दिया, अरे ये स्पीड ऑफ साउंड और साथ में विंड, असली में तो आगे वी नॉट भी लिखा हुआ है पर उसकी वैल्यू क्या है, जीरो। ऑब्जर्वर थोड़ी मूव कर रहे हो, तो पहाड़ पे है, अरे पहाड़ चल रहा है क्या, तो पहाड़ इज एट रेस्ट, तो वी नॉट क्या हो गई, जीरो। अब वी प्लस वी डब्ल्यू ऐसी की ऐसी वापस आ गई और सोर्स क्योंकि ऑब्जर्वर के पास जा रहे हैं इसीलिए माइनस वी एस। समझ ही नहीं आया क्या, सारा डेटा गिवन है, पुट करो वैल्यू, वी की वैल्यू कितनी है बेटा 1200, वी डब्ल्यू कितनी है 40 अपॉन 1200 प्लस 40, बताना जरा सोर्स वेलोसिटी क्या है जो क्वेश्चन में दिया मैंने, 20 40 दी है सोर्स की, विंड की भी, सोर्स की भी, फ्रीक्वेंसी क्या दी है 580, 580, कैन यू पुट द वैल्यूज, हो गया क्वेश्चन 40 40। ये आंसर आ जाएगा बेटा एफ डैश, अब तो सॉल्व करना है आपको, कर सकते हो, कितना आ रहा है 590, और किसी का कुछ आ रहा है 1 2 3 4, 12 में 124 तो नहीं जाता है, 6 में भी नहीं जाता है, 3 में जाता है, 4 से काट रहा हूँ, 4 3 जा और 31 जा, 3 में 58 भी नहीं जाता है, करीब 10, 10 × 5 = 58 है ना, 10 से ज़्यादा है ना असली में, तो 10.3 × 580, सेकंड इन्वर्स, हाँ तो क्या ऊपर नीचे यूनिट चेंज हो गए ना बेटा सारे, हाँ तो हर्ट्ज ही तो आएगी बेटा, दोनों तरफ यूनिट बदलेगा ना एट अ टाइम, तो आंसर तो सेम ही आएगा ना, तो अरे ऊपर नीचे कट गए ना बेटा किलोमीटर पर आर के यूनिट कन्वर्जन, यही समझा रहा हूं मैं, हमने किया था पर वो कट गए, मन में काट दिया, तो कितना आ गया अराउंड 600, ठीक है अराउंड 600 लिख लो, ठीक है, और उसमें दशमलव की कैलकुलेशन मत करो, ठीक है अगला करो, चलो करो, अरे कराऊं, लेकिन टू ट्रेन्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, टू ट्रेन्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एट स्पीड्स ऑफ 72 किलोमीटर पर आर, एट स्पीड्स ऑफ 72 किलोमीटर पर आर एंड 54 किलोमीटर पर आर and 54 किलोमीटर पर आर, ठीक है आगे लिखो, द फर्स्ट ट्रेन साउंड्स अ विसल ऑफ फ्रीक्वेंसी, द फर्स्ट ट्रेन साउंड्स अ विसल ऑफ फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज, साउंड्स अ विसल ऑफ फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज, फुल स्टॉप। Find the frequency of the whistle. Find the frequency of the whistle heard by the passenger in the second train.
फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द विसल हर्ड बाय द पैसेंजर इन द सेकेंड ट्रेन. ए पार्ट इसका बिफोर द ट्रेन्स मीट, बिफोर द ट्रेन्स मीट. फिर से बोल रहा हूं, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द विसल एज हर्ड बाय द पैसेंजर इन द सेकेंड ट्रेन. पहला पार्ट बिफोर द ट्रेन्स मीट, और सेकेंड आफ्टर द ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर. आफ्टर द ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर, ठीक है करो. अच्छा पहला केस बता, पहले केस में बता क्या v प्लस वी नॉट अपॉन v माइनस वी एस हो गया, क्यों हो गया? हाँ अरे पैसेंजर एक दूसरे के सामने से आ रही है ना, तो ऑब्जर्वर पास जा रहा है और सोर्स भी पास जा रहा है. ऑब्जर्वर पास जाएगा तो प्लस, सोर्स पास जाएगा तो. पहला केस समझ नहीं आया, बोलो क्या कितनी आ जाएगी, v कितनी दी हुई है? 340. V नॉट ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कौन है? पैसेंजर ट्रू टू, तो 340 प्लस 15 अपॉन माइनस 20. अच्छा एक 72 और एक 54 है, इनटू एफ कितना हो गया, कितनी दे रखी है? 600. ये कितना आ गया? पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं, सबको आ गया? इसमें कोई डाउट आया क्या? श्योरिटी के साथ बताइए, समझ में सबको आया? वेरी गुड, ये पहला पार्ट. अच्छा सेकंड पार्ट में जब क्रॉस कर गई तो सोर्स भी दूर जा रहा है और ऑब्जर्वर भी दूर जा रहा है, तो इक्वेशन बोलो क्या बनेगी? v माइनस v नॉट अपॉन v प्लस वी एस इंटू. समझ ही नहीं आ रहा सर, पता नहीं कौन सी रॉकेट साइंस पढ़ा दी आज, तो ऐसा है क्या? ये टफ लग रहा है? एक फॉर्मूले पे दुनिया चल रही है. मैंने विंड वाला भी करा दिया, मैंने आमने सामने दूर जाने वाला भी करा दिया, और क्या सवाल कराऊं? बोलो क्या आ जाएगा? अपॉन इनटू क्या बेटा? वही 600. सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 325 अपॉन 360 इंटू 600. सॉल्व आपको करना है, वो मेरा काम नहीं. क्लियर है सबको? अब इसमें पता है बहुत अच्छा सवाल बनने की पॉसिबिलिटी कहाँ आती है? अच्छा एजेंट, बहुत ही अच्छा सवाल. उसके अंदर क्या करते हैं ना, डॉपलर इफेक्ट को है ना सर्कुलर में करा देते हैं. अब जब डॉपलर को सर्कुलर के अंदर करा देंगे तो कहानी के अंदर क्या चेंज आएगा बताओ? एक चीज सुनना, अरे पहले यहां ध्यान दो, वो सब छप जाएगा. छाप रहे हो उसे, शर्म नहीं आ रही, खुद से करना था वो. क्या आ गया ना आंसर? कहाँ 350. आए ये लो, अभी खुश आंसर निकाल लिया आपने? आओ देखो, आप सुनो. जैसे मान लो आपका जो सोर्स है ना वो सर्कल में घूम रहा है, ध्यान दो कंसेप्ट पे, पीछे बेटा इधर ध्यान दो. आपका सोर्स किस में घूम रहा है? सर्कल में घूम रहा है. आप एकदम सेंटर पे खड़े हो आप, मतलब आपका कान एकदम सेंटर पे है, आप चाहे सेंटर पे हो या ना हो. ठीक है, अरे सवाल सुनो यार, सवाल पे ध्यान दो तुम लोग. अब मान लो जो सोर्स है ना वो अलग अलग पोजीशंस पे आते हैं, बातें बंद. आपका जो सोर्स है ना, यहाँ आया. मैंने आप लोगों से पूछा कि अगर आपका सोर्स जो है वो एफ फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा था तो इसको क्या हमेशा एफ ही सुनाई देगी? इट विल चेंज, इट विल चेंज. सोर्स रेस्ट पे है, एफ ही तो सुनाई देगा. चाहे कहीं भी जाओगे हमेशा एफ सुनाई देगा.
सोच के देखो, जल्दी बताओ, कहीं भी जाए तो एफ सुनेगा या जगह के हिसाब से बदलेगा? जगह के हिसाब से बदलने की बात कर रहे हैं, वापस सोच लो, फिर बोल रहा हूं, दोबारा सोच लो, आखिरी मौका। कहीं नहीं बदलेगा, बदलेगा, बदलेगा। अच्छा हिंट देता हूं, ये मान ले ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। जब ये यहां था तब क्या बेटा ऐसे जा रहा था? हर वक्त एंगल देख 90 डिग्री बन रहा, कोई चेंज आएगा? आपका जो सोर्स है वो हमेशा इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है ना, 90 डिग्री बना रहा है मतलब इसकी वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट इसकी तरफ है ही नहीं। जब इसकी वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट ही इसकी तरफ नहीं है तो वो इफेक्ट भी कहां से लाएगा? कोई इफेक्ट तो, इसीलिए जो आपकी एंडेश होगी वो हमेशा क्या आ जाएगी, बट इन केस सोर्स सेंटर में। अब यही क्या हुआ, अपन लोगों का जो सोर्स था ना, सोर्स तो बेटा सर्कल में ही घूम रहा था, अरे ध्यान दो, और आपका जो ऑब्जर्वर है ना बेटा वो यहां चला गया। क्या हो गया? क्या जाहिर सी बात है, बदलेगा बोल रहे। देखो बेटा तुम्हारी बात पे एक बात बता रहा हूं, गौर फरमाओ, यहां गौर फरमाओ, इरशाद इरशाद करने लगे है ना। चलो जल्दी बताओ यहाँ पे क्या होने वाला है। मैं चार लोकेशन मार्क कर रहा हूं, सब पे बदलेगा क्या? ए और सी पे बदलेगा, बी और डी पे नहीं बदलेगा? हाँ, अरे बी पर वेलोसिटी 90 डिग्री बना रही है ना, डी पर भी 90 बना रही है, बी और डी पर कोई चेंज? परंतु अगर मैं बात करूं ए और सी तो बदलेगा? ध्यान से देख, ए पर जो तेरा सोर्स है वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर जा रहा है, सोर्स इधर है ना, तो अगर ए पर जो आपका सोर्स है वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर जा रहा है, तो अगर मैं एफ ए लिखूं, एफ ए डैश लिखूं बल्कि, तो एफ ए डैश की वैल्यू क्या होगी? वी अपॉन v माइनस वी एस इंटू एफ। बताओ सही है गलत है? फील आ गई आपको? c पर क्या लिखूंगा? इंटू, फील आ गई? क्या c पर सोर्स दूर जा रहा था, इसीलिए वाली इक्वेशन अप्लाई हो गई? पक्का? अब कोई बोले मैक्सिमम कहां सुनाई दी और मिनिमम कहां सुनाई दी? ये मैक्सिमम है या नीचे वाली? प्लस तो इसमें आ रहा है ना, वो नीचे आ रहा है इसलिए। तो ये क्या है बेटा? और ये क्या है? मतलब जब वो यूं घूम के ऐसे आएगा ना तो आपको आवाज तेज सुनाई देगी, फिर आपको आवाज में कोई चेंज सुनाई नहीं देगा, फिर वापस आपको क्या सुनाई देगी? इससे धीरे सुनाई देगी। समझ पा रहे हो? यहाँ पे कोई चेंज फर्क पता, जैसे ऐसे मूव करता रहेगा फिर आपको चेंज पता लगता रहेगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? Yes, सभी लोगों को? बी और डी पे नो डिफरेंस, आपको भी पता है क्यों, ठीक है? थोड़ा सा मतलब डॉपलर इफेक्ट को ही अपन लोगों ने क्या कर दिया, भारी कर दिया, तो ऐसा हो गया। ऑल दो ये कोई भारी नहीं हो गया है ना, क्या बेटा? एंगल पे डिपेंडेंट होता है, अभी बताता हूं वो भी। हो गया? हो गया? ऐसे डॉन गिरी करती है क्या? है?
और तुम डर जाते हो। तुम डर जाती है ऐसे। डरना भी चाहिए बेटा, वो कोटा सही है ना। डरा कर, डरा कर। हाँ तुम्हें भी डराती है क्या? और यहाँ देखिए लड़के लोग बावड़े होते हुए, किसी ने ठीक कहा है लड़की जरा हंस भी देना, अपने लोग एकदम बावड़े हो जाते हैं। सुनो अब देखो, यहां पर जो है ना, यहां पर सोर्स है, यहां पर क्या है आपका सोर्स, मान लो इस तरह से मूव कर रहा है, और यहां पर जो आपका ऑब्जर्वर था ना वो अपनी कार में मान लो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, दोनों ही मान लो कार है। ये मान लेते हैं हॉर्न बजाता हुआ आ रहा है, अपन गली वली के कोने पे होते हैं तो ऐसे हॉर्न बजा के आता है ना, एक रोड ये रही एक रोड ये रही, अरे बोलो भाई, ये यहां से मान लो ऐसे जा रहे हैं चौराहे से, एक गाड़ी जो है ना बेटा वो यहां से आ रही थी, वॉट एवर बी द कार, कार तो फील तो आ रही है, ले लो फील, ये हॉर्न बजा रही थी यार, मतलब कंसेप्ट समझा रहा हूं ना, तब मत बोला करो, कितनी बार समझा रखा है, कंसेप्ट ही उड़ जाएगा वो परमानेंट। जब मस्ती कर रहे हैं पूरी मस्ती किया करो, पर जब मैं इधर पलटू ना तो अपना काम किया करो, उस समय पढ़ाई की तरफ फोकस, है ना। गलत चीजें अपनी जगह है, सही चीजें अपनी जगह, थोड़ा सा तो सही भी देख लिया करो। अब सुनो, एक गाड़ी इधर से आई, एक गाड़ी इधर से आई, इसने भोंपू मारा, इससे नहीं मारा, ठीक है। अब जब ये भोंपू मार रही थी तो क्या सोर्स आपका V1 से चल रहा है, ऑब्जर्वर चल रहा है V2 से, इसको सुनाई देगा, इसको क्या देगा, तो ये इस वाली लेन पे आ रहा था, ये इस वाली लेन से आ रहा था, तो हम लोगों ने क्या बोला कि इनकी जो लाइन ज्वाइनिंग होती है, इन दोनों की जो लाइन ज्वाइनिंग, मतलब ये वाली लाइन, इसके अलोंग वाले कंपोनेंट कर लो, इसके अलोंग वाले कंपोनेंट कर लो, तो बताए इसके अलोंग V1 का कंपोनेंट कितना है, V1 cos, और इसका क्या है, V2 cos। अब देखो ये कोई रटने का नहीं है, θ2 हो सकता है यहां से ना दे के नीचे से दे दे, अरे समझ रहे हो ना, मैं बस एक एग्जाम्पल की तरह तुम लोगों को बता रहा हूँ, इट इज नॉट नेसेसरी कि कॉस थीटा 1 का ही कंपोनेंट हो, वो साइन थीटा भी कंपोनेंट हो सकता है, नॉट नेसेसरीली कि थीटा यहाँ से दिया जाए, ठीक है। तो वो क्वेश्चन देख के आप लोगों को डायग्राम उसका ड्रॉ करना है, और अगर डायग्राम ही दे दिया तो मजा ही आ गया। तो इन दिस केस हमने क्या किया, लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग कॉम्पोनेंट किया और फिर अपनी इक्वेशन लगाई, तो बोल इसको जो सुनाई देगा वो क्या होगा, एफ डैश, खुद ही सोच के बोल, वी प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एफ, वी प्लस वी नॉट क्या हो गया, गलत बोल रहा हूं क्या मैं भाई, देख सोर्स जो है मतलब ऑब्जर्वर जो है क्या सोर्स की तरफ जा रहा है, और सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाता है तो ऊपर प्लस आता है, और सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आता है तो नीचे माइनस आता है, याद आ गया, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अपॉन पक्का, वॉट इज वी नॉट, V2 cos theta 2, मैंने क्या बोला, along the line joining component कर दो, हमेशा किधर component कर दो, along the line joining, तो line joining के along जैसे ही आप लोग component करते हैं, किसके along बेटा, line joining के along, वैसे ही हमारे पास जो velocity आती है, source की क्या आती है, V1 cos theta 1, और observer की आती है V2 cos, तो बोलो अब जो frequency हम लिखने वाले हैं उसकी value क्या, V plus V2 क्या बेटा, cos थीटा 2 अपॉन बोल, सही है क्या, इनटू एफ नॉट, अरे बोल भाई, आ गया आंसर। अब ये सब ये जेई एडवांस के सवाल हैं, अलग अलग जो मैंने तुम्हें करवाए हैं, मेंस के एडवांस के अलग अलग तरीके से पूछे हुए, हमें डाउट आएगा क्या यार इनमें, बता एक भी सवाल ऐसा था क्या जो अटकना चाहिए एग्जाम में, नहीं था ना, तुमसे भी होंगे, डोंट वरी, ठीक है, कॉन्फिडेंस रखना, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो नंबर लाते हैं किसी भी हाल में, समझे। चलो।
डॉपलर इफेक्ट इन लाइट. डॉपलर इफेक्ट इन लाइट. और इसमें लिखो क्या बेटा? लाइन जॉइनिंग रीजन यही है ना, रिलेटिव वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में ले लेता है. अदरवाइज तो दोनों 90 डिग्री पे मूव कर रहे हैं बेटा. अदरवाइज दोनों किस पे मूव कर रहे हैं? 90 डिग्री पे. अगर मान ले सेम लाइन में आ गए तो कोई फायदा ही नहीं है. क्या कॉम्पोनेंट लेगा? लाइन ज्वाइनिंग भी यही है और 90 डिग्री का एंगल है, पर ये थोड़ी 90 डिग्री बना रहा है. बता, नहीं बना रहा ना. अब यहां पर हम लोगों ने क्यों नहीं लिए थे कॉम्पोनेंट बी और डी पे? क्योंकि सोर्स एक बिल्कुल सामने है. ए और सी पे क्यों लिया? क्योंकि ये पास आता दिख रहा था, ये दूर जाता दिख रहा था. अब इसी के अंदर तू अगर यहां पहुंच जाता तो देख ये वेलोसिटी हो जाती. वेलोसिटी का एक कॉम्पोनेंट ये, एक कॉम्पोनेंट ये, और फिर अपन लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग जो है कॉम्पोनेंट कर सकते थे. कर सकता था कि नहीं? इसीलिए कर लेते हैं. जब यहां पर होता तो देख ऐसे हो जाता, एक इधर और एक इधर. तो बहुत हाई लेवल है, अपने को नहीं जाना वहां. अपने को वहां पे जाना होता तो मैं सवाल ही करवा देता ना तेरे को. ठीक है, तो इसका जो लेवल है ना, जो अपने काम का है, वो वाला है जो अभी मैंने तेरे को बताया. समझ गया? तू ये समझ ले कि यहां पर कोई पॉइंट दिया हुआ है, यहां पे कान दिया हुआ है. अब तू सर्कल में घूम रहा है, एंगल तो बन ही जाएगा ना. फील आती है इस बात की? तो वो सवाल था जो मैंने तेरे को हेडिंग डला के करा दिया. ठीक है, और बोलो भाई. हेडिंग डालते हैं डॉपलर इफेक्ट इन लाइट. तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि लाइट के अंदर डॉपलर इफेक्ट जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है. और क्योंकि कम देखने को मिलता है इसीलिए आज तक कभी पूछा भी नहीं गया, पर अगर कभी पूछ लें तो हम तैयार हैं. ठीक है, तो लिखिए लाइट में डॉपलर कम क्यों होता है? क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बहुत कम होती है इन कंपेरिजन टू साउंड. समझ गया ना? तो लिखो इसमें If a light source is moving away from a stationary observer, then frequency of light appears decreased. Then frequency of light appears decreased and wavelength appears increased. फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कैसी लगती है बेटा? जैसे घट गई हो. और वेवलेंथ ऑब्वियस है, अगर फ्रीक्वेंसी घटेगी तो वेवलेंथ क्या होगी? बढ़ जाएगी. ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा से हम लोग जानते हैं. तो फ्रीक्वेंसी घटी तो वेवलेंथ बढ़ी, और इसका उल्टा भी होता है. ठीक है, एंड वाइस वर्सा लिख लो. एंड वाइस वर्सा. ठीक है, अब पता है लाइट जो होती है ना, इसकी एक खास बात होती है कि ये यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट होता है. लाइट क्या होती है? यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट मतलब जो अपनी स्पीड ऑफ लाइट है ना, सी की जो वैल्यू है 3 × 10^8, इससे ज्यादा कुछ नहीं है तो नहीं है. देयर इज नथिंग लाइक 2c और 1.5c या सी का कॉम्पोनेंट है ना, जो सी से बड़ा हो, ऐसा कुछ भी पॉसिबल. अगर मान ले मैं बोलूं कि एक आदमी इधर सी से आ रहा है और एक आदमी इधर सी से आ रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? सी है, 2c नहीं है. ये बात ध्यान रखना, लाइट रिलेटिविस्टिकली न्यूट्रल होती है. लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिविस्टिकली न्यूट्रल. ठीक है, ये बहुत जोरदार बात है लाइट की. इसी प्रकार से अगर सी से कोई इधर जा रहा है और सी से कोई इधर जा रहा है तो भी रिलेटिव सी है, जीरो नहीं है, सी है, तो भी रिलेटिव क्या है? सी से ज्यादा कुछ नहीं, सी से कम कुछ नहीं, मतलब सी से कम तो है,
पर सी से ज्यादा कुछ नहीं होगा, तो रिलेटिविस्टिकली न्यूट्रल रहती है। आप ऐसे जाओ तो भी सी, ऐसे आओ तो भी सी, उसका इसको फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक मान लिया, अच्छा मैंने ऐसे बना दिया, ये एक ऐसे जा रहा है ना, एक मान लिया ऐसे जा रहा था, एक मान लिया ऐसे जा रहा था, तो भी आंसर क्या आएगा, सी ही आएगा। वापस से आना तो टू सी चाहिए ना, पर आया नहीं, पर यह आया। तो लाइट इसीलिए है ना, मतलब इसका अलग तरह का नेचर लेके चलते हैं, और पूरा का पूरा ट्वेल्थ के अंदर इसके नेचर को अपन लोग डिफाइन करते हैं। अभी जैसे आप लोगों की ट्वेल्थ चालू होगी तो वेव ऑप्ट आप उसके अंदर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाले पार्ट के अंदर एंट्री मारेंगे, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आएगा, उसके अंदर अपन लोग ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वगैरह पढ़ते हैं। उसके बाद में आता है आपका वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स आता है ना, तो उसके अंदर फिर आप लोग लाइट के जो इंटरनल क्वालिटीज है ना उसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में अपन पढ़ते हैं इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन वगैरह के बारे में, और वहीं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर उसके जो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है ना, फिजिकल नेचर उसके बारे में, दोनों अलग हैं। वेव ऑप्टिक्स थोड़ा एनालिसिस वाला वाली चीज है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पूरी मैथमेटिक्स वाली चीज है। आपको पढ़ने में मजा भी बहुत आएगा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इस तरह की चीज है, क्योंकि गणित है ना, और गणित भी ऐसी है कि वो सिमिलर ट्राइंगल वगैरह वाली गणित, दूसरा फॉर्मूला बेस्ड है। कुछ चीजें समझने की होती हैं, वो समझ में आ जाती हैं तो पूरा चैप्टर हिट हो जाता है, और अगर पूरा चैप्टर हिट हो गया तो उसका सवाल गलत नहीं होगा एग्जाम में, और सवाल कम से कम 3 से 4 आते हैं। ज्योमेट्रिकल और वेव ऑप्टिक्स के अगर अपन बात करें तो 3 to 4 क्वेश्चंस यू विल सी इन द पेपर फॉर श्योर, समझे। तो इसलिए वो बहुत बड़ा पोर्शन बनाते हैं और इजी भी है, तो उसको बहुत ध्यान से और तरीके से पढ़ना, ठीक है ना। खैर वो तो बाद में शुरू हो ही रहा है। तो अपन जो डॉपलर इफेक्ट की बात कर रहे हैं ना, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट बहुत कम ऑब्जर्वेबल है, और इसके अंदर दो तरह की शिफ्ट पड़ते हैं हम लोग, एक शिफ्ट होती है रेड शिफ्ट, दूसरी क्या होती है वायलेट शिफ्ट, ठीक है। तो इसमें लिखो अगली लाइन में, लिखिए, इफ लाइट सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर अप्रोचिंग ईच अदर विद अ वेलोसिटी वी, then the apparent frequency of the source, apparent frequency is given by f dash, हम लोग लिखते हैं बेटा इस समय क्या लिखते हैं, f dash जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट में 1+V/C अपॉन 1-V/C। एफ डैश 1+V/C अपॉन 1-V/C एफ तो लिखना भूल ही गए। ये आपके लाइट के सोर्स की रियल फ्रीक्वेंसी, और ये वो फ्रीक्वेंसी जो हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। ये सॉल्व होके कितना आएगा, 1+V/C अपॉन 1-V/C समझ गया ना क्या आएगा। ठीक है, आगे लिखो अगली लाइन में। इसमें ज्यादा अपने को है ना PhD नहीं करनी है, ठीक है, बस बता रहा हूं, सुन लेना। अगली लाइन में लिखो, If distance between light source and observer is increasing, क्या हुआ? If distance between light source and observer is increasing, then apparent frequency is given by, उल्टा कर दो फॉर्मूला,
ऊपर में प्लस की जगह माइनस और नीचे में माइनस की जगह प्लस, ऊपर वन माइनस नीचे वन प्लस। अगली लाइन, द चेंज इन वेवलेंथ, द चेंज इन वेवलेंथ कैन बी डिटरमाइंड बाय, द चेंज इन वेवलेंथ कैन बी डिटरमाइंड बाय चेंज इन वेवलेंथ कैन बी डिटरमाइंड बाय डेल्टा लैम्डा इज वी बाय सी टाइम्स लैम्डा। डेल्टा लैम्डा कितना हो गया बेटा, वी बाय सी टाइम्स लैम्डा। अच्छा इसमें है ना फ्रैक्शनल चेंज बोले तो कितना हो जाएगा, डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा। इसमें अगर क्या बोले आपको फ्रैक्शनल चेंज, तो वो कितना होगा, डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा। जैसे मान लो आप लोग टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की बात करो, तो उसके अंदर अपन क्या करें, सिंपल पेंडुलम को मान लो लिफ्ट में ले जाएं, तो टाइम पीरियड चेंज होगा, होगा कि नहीं। तो अपन उसके अंदर एक टर्म निकाल सकते हैं डेल्टा टी बाय टी, ये होती है फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड। ये क्या होता है, मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन टी इनिशियल जो था वो, ये होता है फ्रैक्शनल चेंज। इसको इनटू 100 कर दो, परसेंटेज चेंज। इस बारे में पहले भी हमारी बात हुई थी याद है, तो उसी तरह से यहां भी ये फ्रैक्शनल चेंज हो गया और इनटू 100 हो गया, तो क्या हो गया, परसेंटेज चेंज। क्या ये वाली बात क्लियर है? ये देखिए लैम्डा बस नीचे ले जाना है, वी बाय सी आंसर आ जाएगा। व्हाट इज फ्रैक्शनल चेंज, डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा इज इक्वल टू वी बाय, ये क्या कहलाता है बेटा, फ्रैक्शनल चेंज। और चेंज इन लैम्डा क्या होती है, ये लैम्डा बस ऊपर ले जा, तो आपका डेल्टा लैम्डा आ गया। क्या आ गया बेटा, डेल्टा लैम्डा। अगली लाइन में लिखो, इफ लाइट सोर्स मूव्स अवे, इफ लाइट सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम अर्थ, इफ लाइट सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम अर्थ If light source moves away from Earth, lambda is increased. Lambda is increased. Wavelength क्या हो जाती है, बढ़ जाती है अगर दूर जा रहा है तो, ठीक है। And the spectral lines and the spectral lines shift towards red color. ये तो आपको पता होगा red की wavelength ज्यादा होती है violet से, तो अगर wavelength बढ़ेगी तो आप red की तरफ जाने लग जाओगे, किधर जाने लगोगे, red की तरफ, shifts towards red color, full stop। This is called red shift, इसका नाम है बेटा red shift। क्या नाम दिया है इसका, रेड शिफ्ट कब आएगा, लैम्डा बढ़ने पे, समझ गए? अरे कुछ समझ में आ रहा है? अगला लिखो, अगली लाइन में, व्हेन लाइट सोर्स इज कमिंग नियर द अर्थ सरफेस, व्हेन लाइट सोर्स इज कमिंग नियर द अर्थ सरफेस बोलो वेवलेंथ क्या कम होती हुई दिखेगी, तो देन वेवलेंथ अपीयर्स टू बी डिक्रीजिंग। इफ लाइट सोर्स इज कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस देन वेवलेंथ अपीयर्स टू बी डिक्रीजिंग। एंड स्पेक्ट्रम शिफ्ट्स टुवर्ड्स वायलेट, वेवलेंथ अपीयर्स टू बी डिक्रीजिंग एंड स्पेक्ट्रम shifts towards violet light and spectrum shifts towards violet light, full stop। This is called violet shift। तो violet shift कब थी बेटा, जब lambda decrease हो रही थी। अच्छा lambda बढ़ कब रही थी, जब दूर जा रहे थे, है ना, far जाने पे और ये pass आने पे।
समझ रहे हो? तो दिस इज कॉल्ड वॉयलेट शिफ्ट. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉयलेट शिफ्ट बोलते हैं. देखो आज तक तो सवाल आया नहीं, व्हील सी कभी आ गया, ठीक है? एक बार जनरलाइज करके पूछ लिया था रेड शिफ्ट वॉयलेट शिफ्ट के ऊपर, इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया. समझ गए मेरी बात? अब SHM वाली शीट निकालो जल्दी से. आपको ये तो पता है ना डॉपलर काम कहाँ कहाँ पे आता है? कहीं सुना है आपने? तुमने सुना होगा कलर डॉपलर सोनोग्राफी. ये हॉस्पिटल हॉस्पिटल होता है ना, ये सोनोग्राफी करते हैं. तो सोनोग्राफी जो होती है उसके अंदर कलर डॉपलर सोनोग्राफी होती है. अब कभी नहीं सुना? कोई बात नहीं, अब सुन लो. तो पूरी साइंस जो है ना वो काम आती है अपने को, है ना? डॉपलर मतलब मेडिकल में तो यूज हो ही रही है. रडार सुना है तुमने? रडार, रडार के अंदर काम आता है. सोनार सुना है तुमने? सोनार, वहां भी डॉपलर आपका काम आता है. सोनार तो नाम ही साउंड नेविगेशन होता है, साउंड नेविगेशन इन रेंजिंग, पता होगा आपको. तो इस तरह से अपने को ये सब चीजें पता लगती हैं. इसके अलावा ये स्टार स्टार गैलेक्सी वैलेक्सी की जो स्पीड वगैरह होती है ये सब डॉपलर इफेक्ट से निकाली जाती है. तो बहुत भयंकर इफेक्ट था भाई साहब, है ना? इसलिए इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है?